गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। सो जैसा कि मेरे पेपर ख़त्म हो गया है तो इस बात की मुझे बहुत सारी शुभकामनाएं। सो अब मेरे पेपर ख़त्म हो गए हैं तो मैं पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं करूँगी। सो मैं ऐसे ही फ़ोन देख रही हूँ, टीवी देख रही थी, मतलब यही सब चलता रहेगा अब तो 10 दिनों तक, ठीक है। फिर क्या हुआ, एकदम मैं फ़ोन चला रही थी तो मेरे एकदम से दिमाग में आया कि क्यों ना मैं आपको ये रिव्यू कराऊँ। हाँ जी, ये इससे ना पता है मेरे मोस्टली आर्ट सप्लाईज, मोस्टली मतलब 75% ऑफ आर्ट सप्लाईज मेरे इसी के अंदर छुपे पड़े हैं। सो आई थॉट कि मैं आपको ये दिखाऊँ। सो जैसे कि मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी कि मैं आपको अपना मॉर्निंग रूटीन दिखाऊंगी वीडियो में, सो वो भी जल्द ही आने वाला है। सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये बैग इतना भारी हो रहा है ना, मैं इसे एक हाथ से उठा नहीं पा रही हूँ। सो पहले हम ये छोटू मोटू वाली चेन देखेंगे। इसमें है मेरी 4 लीटर्स की बॉटल, जो कि आपने देखी होगी अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो, इन्हें मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ अपनी वीडियोज़ में। देन है हमारे पास ये ट्रक के टायर वाली इरेजर। ये बहुत अजीब सी है, मतलब इसका स्ट्रक्चर ही बड़ा अजीब है, इसे इरेज कैसे करेंगे मुझे तो ये समझ नहीं आता। रूम देन हमारे पास ये छोटू मोटू सी फेविस्टिक। देन कमिंग टू द बड़ी वाली चेन, इसमें सबसे पहले हम रिव्यू करेंगे। सो ये है अप्सरा की पेंसिल, जिसमें कि प्रीमियम कलर्स हैं। इसमें टोटल 8 कलर्स हैं। सो लेट्स सी, इसमें ऐसे 8 कलर्स हैं प्रीमियम वाले, और यार शॉर्पनर भी था वो मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया। देन है हमारे पास ये 2 पेंसिल कलर्स डॉम्स की, जो कि सेम ही हैं। इनमें हमारे पास 12 शेड आते हैं, लाइक एक पेंसिल है तो दोनों साइड पे अलग अलग कलर है। देन है मेरे पास ये पुराने वाले मेरे वाटर कलर्स, ये पुराने हो चुके हैं, इसमें एक ब्रश भी है, ये हालत देख के पता चल रहा है ना कितने पुराने हैं। देन है ये नए वाले वाटर कलर्स, जिन्हें मैंने अभी तक यूज़ भी नहीं किया है। देन है हमारे पास ये अप्सरा के ऑयल पेस्टल, इसमें 12 शेड्स हैं और ये कुछ। देन हमारे पास है ये ब्रश, जो कि काफ़ी सॉफ्ट है। मैं अपनी ज़्यादातर सीनरी वाली पेंटिंग जो होती है ना, वो मैं इसी से बनाती हूँ। देन है हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल इरेजर, मतलब ये वो वाली इलेक्ट्रिकल इरेजर नहीं है जो कि ऐसे घूमती है और फिर उससे वर्क करता है, ये लाइक ऐसे है, ऐसे दबाने से ये बाहर निकल जाती है और ऐसे अंदर चली जाती है। इसके साथ हमारे एक तो इसके अंदर इंसर्ट हुई हुई रिफिल जो भी कहो, ठीक है, और एक ये 2 इसमें बंद होके आई हैं। आप इनसे भी लाइक शेडिंग वाले लाइक ड्राइंग बना सकते हो हाईलाइट करके। पहले आप चारकोल वाली पेंसिल से शेडिंग कर दो, देन आप इरेजर से आपको जो भी बनाना है वो आप बना दो। देन है हमारे पास ये शेडिंग पेंसिल्स, इनमें हमारे पास है HB 2B 4B 6B 8B एंड 10B, कैमलिन की है। देन हमारे पास एक और है ये शेडिंग पेंसिल, बस इसमें 3 ही है, 2B है 4B है एंड 6B है। देन है हमारे पास ये डॉम्स की पेंसिल कलर्स, इसकी मैंने एक और रिव्यू वीडियो डाली थी जो कि आपने शायद नहीं देखी हो, जो मेरे सब्सक्राइबर उन्होंने तो देखी होगी। सो इसका रिव्यू, सो ये 24 है शेड्स में एंड ये शार्पनर है। देन है हमारे पास ये डॉम्स के प्लास्टिक क्रेयॉन्स। देन है हमारे पास ये प्लास्टिक क्रेयॉन्स, और ये भी गिर गए थे, वो मैंने शूट नहीं किया है। ओके, सो इनके साथ हमारे पास एक शार्पनर आया है और एक इन्हीं की शेप में एक इरेजर भी आई है जो कि इलेक्ट्रिकल इरेजर की तरह वर्क कर सकती है। और इसके साथ हमारे पास एक सिल्वर वाला भी आया और गोल्डन वाला भी आया है। देन ये जो बैग है उसके साथ हमारे पास ये छोटे बच्चों वाली ड्राइंग बुक भी आई थी, जिसका मैं तो क्या ही करूँ, मैं किसी छोटे बच्चों के दे दूँगी। तो इसी के साथ हमारा ये बैग की सारी स्टेशनरीज ख़त्म होती हैं। इतनी सारी स्टेशनरीज छोटे से बैग में छिपी पड़ी थी। सो या वीडियो पसंद आई तो लाइक करना एंड बाय बाय।